दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे पहले थोड़ी सी यूपी ट्रिपल एससी की, उसके बाद में आज के प्रदर्शन की बात करेंगे। आज के प्रदर्शन की खास बात क्या रही, बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की टीईटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी एग्जाम की चर्चा होगी और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशंस की इन पुस्तकों को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं। किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस पीईटी की काफी अच्छी पुस्तक है। इन पुस्तकों में आपको त्रुटियां बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी और इस इंस्टीट्यूट की इस पब्लिकेशन की जो पुस्तकें वो हिंदी माध्यम में भी मिल जाएंगी और आपको अंग्रेजी माध्यम में भी मिल जाएंगी। जैसे आप लोग ये हिंदी की पुस्तक देख रहे हैं और इसी तरीके की ये इंग्लिश की पुस्तक है। ये सॉल्व पेपर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन 2022 के हाल प्रश्न पत्रों सहित ये जो प्रैक्टिस वर्क बुक है ये सारी भर्तियों के लिए है जो भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आती है, चाहे वो आने वाली लेखपाल भर्ती हो, ग्राम पंचायत अधिकारी हो, अमीन कनिष्ठ सहायक आबकारी सिपाही वन रक्षक स्टेनोग्राफर नलकूप चारी, और पीईटी की सॉल्व पुस्तक भी आती है किरण इंस्टीट्यूट की, या जिसमें आपको 59 सीट देखने को मिलेंगे और 7900 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में किरण इंस्टीट्यूट की ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये जो सेट आप देख रहे हैं इनमें उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को रखा गया जिस प्रकार के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में पूछे जाते हैं। वहीं पर बात करते हैं अब यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की और आज के धरना प्रदर्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खासतौर से शिक्षक भर्तियों के छात्र आए थे, लेकिन ये सभी छात्र यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए भी आवेदन करते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती पिछले 5 साल से आ नहीं रही है। और चाहे वो टीजीटी पीजीटी की अगर हम लोग बात करें उसके बारे में कुछ नहीं पता, विद्यार्थियों की परीक्षा कब होगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। और इन विद्यार्थियों का कहना है कि सर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो नोटिफिकेशन है कल जारी हुआ है, पहले लगभग 20 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, उसके बाद में 37 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, और अब ऐसी संभावनाएं मीडिया के माध्यम से ऐसी चर्चा है कि इस बार जो है लगभग 50 लाख आवेदन होंगे। लेकिन इन आवेदनों की तुलना में जो भर्तियां निकलती हैं वो कभी 400 कभी 500 कभी 600 इस तरीके से वैकेंसी निकलती है, जो कि बहुत कम है। इसलिए सरकार जो है जितने भी रिक्त पद हैं, जितने भी विभाग, सभी रिक्त पदों पर भर्ती करे और जो है बड़ी भर्ती करे, समयबद्ध तरीके से भर्ती करे। वहीं पर अगर हम लोग आज के धरना प्रदर्शन की बात करें, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि ऐसा धरना प्रदर्शन कभी नहीं हुआ, उसके पीछे अन्य कारण है। पहली बात तो ये है कि इस बार जितने भी छात्र संगठन आप देख सकते हैं, चाहे वो रजत सिंह हो, चाहे वो नीतीश पांडे हो, चाहे युवा हल्ला बोल के गोविंद मिश्रा, ये देख सकते हैं आप लोग, सारे के सारे जो छात्र संगठन है यहाँ पर सबका समर्थन था। यही कारण था कि इस बार अच्छी तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ और बाद में विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई। लगभग 11 बजे तो विद्यार्थियों की संख्या कम थी, लेकिन उसके बाद में पहले विद्यार्थियों को डर लग रहा था कि शायद पानी बरसेगा, लेकिन पानी बाद में रुक गया, पानी नहीं बरसा और ये धरना तो यहाँ ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि आज के प्रदर्शन के बारे में शासन को बात पता चल चुकी है कि जो विद्यार्थी वो एकजुट हो गया है, और यही कारण था कि कल आनन फानन में आप लोगों ने देखा होगा कि कल पीटी का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया, और कल ही जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया। लेकिन ये दोनों चीजें लॉलीपॉप है, पीईटी भी लॉलीपॉप ही है, उससे कुछ होता नहीं है, और पीटी तो समय से होगा, सीटेट भी समय से होगा, और चाहे वो नया आयोग हो, नया आयोग का जो प्रस्ताव है अभी आप लोग ये बिल्कुल मान करके मत चलिए कि आपकी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तुरंत होने जा रही है, या तुरंत भर्ती के विज्ञापन निकलने जा रहा है, या तुरंत आयोग का गठन होने जा रहा है। विद्यार्थियों से सरकार की बेरुखी सभी को पता है, और आपको पता है कि ये जितने भी विभाग हैं, जितने भी चयन बोर्ड है, सभी जगह यही हाल। अभी तक जो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग है वहां पर मेंबर तक अभी तक नहीं है कई दिनों से, और चयन बोर्ड में भी सरकार ने मेंबर नहीं भेजे, जिसकी वजह से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं हो सकी। यही हाल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में रहा, इसलिए अब ये दबाव जरूरी है। हाँ, धरना प्रदर्शन की एक और खासियत रही आज के, की पहली बात
बहुत दिनों से, पिछले 2-3 सालों से जो धरना प्रदर्शन आंदोलन है, विद्यार्थी घरों से नहीं निकल रहे थे, विद्यार्थी डर रहे थे, तो अब विद्यार्थी जो है वो अपने कमरों से निकले हैं, उनका जो हौसला है वो बुलंद है, विद्यार्थी जाग चुका है और ये विद्यार्थियों की मजबूरी भी है। विद्यार्थी भी देखते 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 थक गए, विद्यार्थियों को लगता था शायद आयोग बन जाएगा, शायद हमारी भर्ती आ जाएगी, और लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और बाद में जो है विद्यार्थियों को असलियत का पता चल गया और यही कारण था कि आज के धरना प्रदर्शन में जो है विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी रही। वहीं पर तो अगर हम लोग बात करें तो अभी आप लोगों को टीजीटी पीजीटी के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से आज जानकारी दी गई थी कि इस आयोग से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो सकता है। ये आज ही के समाचार पत्र है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर, ये देखिए लिखा हुआ है, ये बेसिक शिक्षा विभाग में लंबे समय बाद शुरू हो सकती है नियुक्ति की प्रक्रिया। मैंने भी आप लोगों को बताया था कि जो ऐसी बात नहीं है, बेसिक में काम तो चल रहा है लेकिन इनका भर्ती का विज्ञापन अभी निकालने की कोई योजना नहीं है और इस साल भी योजना नहीं है उनकी बेसिक में भर्ती निकालने का। तो इसके लिए विद्यार्थियों को इसी प्रकार से एकजुट होना होगा ताकि सरकार दबाव में आए और आप लोगों की जो भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी हो। और जानकारी यही निकल करके आ रही है शायद कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की भर्तियाँ रुकी हुई हैं, ये सारी जो भर्तियाँ वो लोकसभा के चुनाव के पहले पहले इन सभी भर्तियों के विज्ञापन निकाले जा सकते हैं और उसके बाद में फिर ये भर्तियां फंसेंगी और लोकसभा चुनावों के बाद में इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। आज के धरना प्रदर्शन की प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई है और ये आपने सुना होगा मेरे लाइव वीडियो में, जो आज की धरना प्रदर्शन की मुख्य मांगें थी कि 6 लाख पदों को भरा जाए, शिक्षा सेवा चयन आयोग को हर हाल में मानसून सत्र में ही पारित करवाया जाए और टीजीटी पीजीटी में 16,000 जो पद हैं जो विधानसभा में कहा गया था उनको जोड़ा जाए, प्राथमिक में 1,26,000 जो पद हैं उन पर भर्ती हो, तकनीकी संवर्ग के 1,00,000 पद रिक्त इनको जल्दी जल्दी भरा जाए और जो भर्तियां होती हैं जितनी भी चयन बोर्ड हैं उत्तर प्रदेश में वो एक समयबद्ध तरीके से पारदर्शी तरीके से भर्तियां पूरी होनी चाहिए और रोजगार अधिकार के लिए शांतिपूर्ण जो आंदोलन विद्यार्थी करते हैं उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे न लादे जाए, पुलिस या उत्पीड़न बंद किया जाए। और ये जो ज्ञापन है ये दिया गया है प्रयागराज के एडीएम है जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अनिल कुमार इनका भी नाम है और जो दे रहे हैं इनका भी नाम है अनिल कुमार। तो अनिल कुमार वर्मा जी को आज ये ज्ञापन दिया गया, एक पत्र प्रधानमंत्री को और एक पत्र मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए दिया गया। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की है, तो शिक्षक भर्तियों से शायद सरकार की दुश्मनी, सारी सारी जो शिक्षक भर्तियाँ रुकी हुई हैं तो यहाँ पर प्राइमरी का तो कोई पता ही नहीं है, एडेड जूनियर फंसी हुई है, टीजीटी पीजीटी भी फंसी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी फंसी हुई है। तो ये एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जिसकी लिखित परीक्षा हो चुकी है, 2 बार परिणाम जारी हो चुका है और कम से कम 20-25 बार धरना प्रदर्शन हो चुका है और अब लखनऊ में ये प्रदर्शन होने जा रहा है। तो 4 अगस्त को ये धरना प्रदर्शन है यहाँ पर 10 बजे SCERT लखनऊ जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी। तो ये धरना नहीं है, ये महाधरना है, फाइनल धरना है और जो विद्यार्थी धरना दे रहे हैं उनके नाम है सीपी सिंह, सिंगरौर, राम अवतार तिवारी, अमित विश्वकर्मा, विनीत भदौरिया, अमरजीत सिंह, नगेंद्र पांडे इत्यादि। तो आप लोगों को भी घर से निकलना होगा, हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है लेकिन पता नहीं कब कंप्लीट होगा। अब हम लोग बात करते हैं बीएड वर्सेज बीएसटीसी मामले की, तो यहां पर भी वही हाल है जो सरकार का है, कुछ ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, हालांकि डेट लगी हुई है 11 तारीख और जो जानकारी मिली है, जो अधिवक्ताओं का मानना है, जो इस केस से जुड़े हुए लोग उनका मानना है कि ये जो केस है वो अगले हफ्ते जारी हो जाएगा 11 तारीख के पहले पहले, मंगलवार या बुधवार को नेक्स्ट इसका जो ऑर्डर है वो जारी हो सकता है। तो बस आप लोगों को केवल एक हफ्ते इंतजार करना है और एक हफ्ते बाद जो आपका ऑर्डर है वो सुनाया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी उपलब्ध है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।